भारत में खनिज संसाधन समाप्त हो गया है। मैंने सोचा कि क्यों ना जितने भी खाने पाए जाते हैं उनमें कौन से खनिज पाए जाते हैं सभी को इकट्ठा एक जगह पर एक पृष्ठ पर लिख लिया जाए। ऐसा करने से याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है ना। तो सुविधा की दृष्टि से ये सारा कुछ मैं लिखवा चुका हूँ, लेकिन ये सारा कुछ बड़ा बिखरा हुआ है ना। लोहे वाले चैप्टर में लोहे की खाने हैं, है ना, बॉक्साइट वाले चैप्टर में बॉक्साइट की खाने हैं, तो क्यों ना सारा इकट्ठा लिख लिया जाए, याद करने में सुविधा रहेगी। सारा कुछ लिखा है, कुछ बताना नहीं है। आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार रिपीट कर देना चाहूंगा, है ना। इधर खान लिखा हुआ है, इधर उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तीन लिस्ट बनाई है, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और ये तीसरी लिस्ट। तीनों लिस्ट एक ही तरह की है, यानी इधर खान खनिज, फिर खान खनिज, इधर फिर खान और खनिज। इसे रख लीजिए, एक बार इसे हम मुंह से बोल देना बेहतर समझेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई शब्द आप नहीं समझ पाए या नहीं पढ़ पाए। जैसे मैग्नीज की सारी खाने हमने यहाँ लिख दी है, तांबे की सारी खाने इकट्ठा कर दी है, इकट्ठा कर देने से भी रटने में काफी सुविधा हो जाएगी। केंदुझर बोनाई कालाहंडी उड़ीसा में, उड़ीसा में केंदुझर बोनाई कालाहंडी मैग्नीज की खान। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला मैग्नीज के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र में भंडारा जिला मैग्नीज, आंध्र प्रदेश में श्री काकुलम जिला मैग्नीज। इसी तरह से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक मलाज खंड की खान है, मलाज खंड की खान तांबा। राजस्थान में खेतड़ी और खोदरीबा की खान तांबा। खेतड़ी झुंझुनू जिला में है, ब्रैकेट में जो नाम लिखे हैं वास्तव में जिले के नाम लिखे हुए हैं। खेतड़ी झुंझुनू जिला, खोदरीबा अलवर जिला तांबा। मोसाबानी झारखंड तांबा। सिक्किम में तांबे की तीन खाने हैं, भूटांग पचेखानी रंगपो तांबा। अब सोना पर आ जाते हैं। सोना प्रमुख रूप से चार जगहों पर भारत में पाया जाता है, कर्नाटक के कोलार और हट्टी में, आंध्र प्रदेश के रामगिरी में, रामगिरी पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में उसमें सोना पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी बहती है हिमालय से निकलकर, रामगंगा नदी के तट पर जो बालू पाया जाता है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं, यूपी में रामगंगा नदी के बालू में सोना। अब बॉक्साइट पर बात करते हैं। बॉक्साइट से सबसे समृद्ध तो उड़ीसा है, बॉक्साइट उत्पादन नंबर वन उड़ीसा, ये सब बातें आप लिख चुके हैं। झारखंड के रांची पलामू लोहरदगा, एक साथ याद करिएगा, ऐसे याद करिएगा जैसे कविता लय से याद कर लेते हैं, रांची पलामू लोहरदगा बॉक्साइट। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार पर बॉक्साइट। उड़ीसा में तीन जगहों पर, दो जगहों पर बॉक्साइट मिलता है, कोरापुट जिला पंचपतमाली पहाड़ी, कोरापुट जिला पंचपतमाली पहाड़ी बॉक्साइट। तमिलनाडु की तीन पहाड़ियों पर बॉक्साइट पाया जाता है, दक्षिण भारत में पालनी जावादी सेवाराय बॉक्साइट, ठीक है। इसके बाद लोहे पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में लोहे की डल्ली रजहरा और बेलाडीला की खाने प्रसिद्ध हैं, डल्ली रजहरा और बेलाडीला। उड़ीसा में लोहे की गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ लोहे की खाने हैं, गुरु महिसानी बादाम पहाड़ किस जिले में है, मयूरभंज जिले में है। बाराम जाता समूह उड़ीसा के केवंझर जिले में है। बाराम जाता समूह चट्टानों का एक समूह है जो कि दो राज्यों में फैला हुआ है, झारखंड में और उड़ीसा में। तो उड़ीसा के अंतर्गत केवंझर जिले में बाराम जाता समूह फैला हुआ है, केवंझर जिले में लोहा। इसके अलावा कर्नाटक के बाबा बुदन कुद्रेमुख संदूर पहाड़ी पर लोहा मिलता है, बाबा बुदन कुद्रेमुख संदूर पहाड़ी। झारखंड के नोवा मंडी में लोहा, पश्चिम बंगाल के दामोदर श्रेणी में लोहा, महाराष्ट्र के भंडारा जिला में लोहा। लोहे में सबसे अच्छी किस्म मैग्नेटाइट लोहा माना जाता है, इसलिए मैग्नेटाइट लोहे की सभी खाने मैंने इकट्ठा कर दी है, कुद्रेमुख सलेम कोझिकोड और गोवा में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है, कुद्रेमुख कर्नाटक में, सलेम तमिलनाडु में, कोझिकोड केरला में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। इसके अलावा सीसा जस्ता देख लेते हैं। सीसा जस्ता के लिए राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान है, उदयपुर जिले में जावर की खान और रामपुर अगुचा की खान सीसा जस्ता। सिक्किम में भूटांग और पाचेखानी सीसा जस्ता। अब यूरेनियम पर आते हैं। यूरेनियम मुख्य रूप से चार जगहों पर पाया जाता है, झारखंड के जादूगोड़ा और बगजाता में, मेघालय के महाडस्क पहाड़ी पर, मेघालय में खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी के अंतर्गत महाडस्क नामक स्थल है, वहां पे भी यूरेनियम पाया जाता है।
आंध्र प्रदेश के तुंगलापल्ली में भी यूरेनियम पाया जाता है। इसके अलावा थोरियम तटवर्ती केरल यानी केरल तट के बालू में और नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में भी थोरियम मिलता है। ये सभी प्रमुख खाने थी जिनमें पाए जाने वाले खनिजों के नाम मैंने अभी इकट्ठा कर दिए। कुछ खनिजों के नाम छूटे हुए हैं, उन्हें भी इसी लिस्ट में शामिल करिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि व्हाइट बोर्ड में आ नहीं सका, 5-6 और हैं, यही पे लिख लीजिए। पहले खान का नाम लिखेंगे, फिर खनिज का नाम लिखेंगे, ऐसे में लिखाऊंगा, ठीक है? जैसे ये है, हाँ, सुकिंदा घाटी। सुकिंदा घाटी उड़ीसा क्या पाया जाता है, सब लिखा जा चुका है। क्रोमाइट, सुकिंदा घाटी उड़ीसा क्रोमाइट। नेक्स्ट, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ टिन। एशिया में एकमात्र, सॉरी भारत में एकमात्र टिन की खान केवल बस्तर जिले में है, तो बस्तर जिला छत्तीसगढ़ टिन। नेक्स्ट, पन्ना और सतना जिला मध्य प्रदेश हीरा। कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश हीरा। कोडरमा, कोडरमा की खान है, कोडरमा हजारीबाग जिला झारखंड, ठीक है? कोडरमा की खान ब्रैकेट में हजारीबाग जिला झारखंड, अभ्रक मिलता है कोडरमा में। नेक्स्ट, हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। जिप्सम, जिप्सम सबसे ज्यादा भारत में हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है, ठीक है? इसके बाद जम्मू कश्मीर में, कहां? जम्मू कश्मीर में डोडा जिला में पाया जाता है जिप्सम, राजस्थान के हनुमानगढ़ में और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में जिप्सम पाया जाता है। नेक्स्ट, तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली नाम सही जाहिर है, तमिलनाडु। क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट, तिरुनेलवेली जिला में ग्रेफाइट। अगला, कालाहांडी उड़ीसा ग्रेफाइट, उड़ीसा के कालाहांडी में भी ग्रेफाइट मिलता है। ये हो गए सभी प्रमुख धात्विक और अधात्विक खान और खनिज, इसे नोट कर लीजिएगा, चलते हैं।